नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। पूरा विश्व इस वक्त एक महामारी से जूझ रहा है, लेकिन अकेले भारत को तीन तीन मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। पहला कोरोना वायरस, दूसरा चीन और तीसरा पाकिस्तान। लड़ाई हिंदुस्तान और चीन के बीच में है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा कोई बौखलाया और तिलमिलाया है तो वो है पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया से उसका खुद का देश तो संभला नहीं जाता, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में वो हर दिन राग अलापना नहीं भूलता। आपको पहले इन मोहतरमा को सुनाते हैं जो हिंदुस्तान के बारे में जहर उगलती हैं। इनका नाम किरण नाज है। कहने को तो ये एक जानी मानी पाकिस्तानी एंकर है, लेकिन जब बोलती हैं तो अपनी हद फूल जाती है। अपने मुंह से ये ऐसा जहर उगलती हैं कि हिंदुस्तान को लेकर मानो आतंक की ट्रेनिंग ले रही हूं। पहले आप इन्हें सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूं कि इन्होंने हमारे भारतीय सैनिक और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। नरेंद्र मोदी की बात करनी पड़ रही है क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। चारों तरफ से अपने पड़ोसियों को अपना दुश्मन बनाया हुआ है, हालात ही ऐसे हैं। लद्दाख के गहरे दलदल में फंस गई है भारतीय फौज, ना बंदूकों से गोलियां निकल रही है ना मुंह से आवाज। चलिए मोहतरमा किरण नाज, आज मैं आपको इतिहास बताती हूँ। चलो, अगर कान साफ है तो ध्यान से सुनना इस कविता को। अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्त पान करते हूं उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। ए पाक, तुम्हारी धमकी से ये धरा नहीं डरने वाली, ये अमर सनातन माटी है, ये कभी नहीं मरने वाली। तुम भूल गए सन 48 पैदा होते ही अकड़े थे, अमर कबायली बकरों के गर्दन हाथों में पकड़े थे। तुम भूल गए सन 65 को तुमने पंगा कर डाला था, छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था। तुम भूल गए सन 71 को जब तुम ढाका पर बैठे थे, 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। तुम भूल गए कलगिल का लड़ हिमगिरी पर लिखी कहानी थी, इस्लामाबादी गुंडों को जब याद दिलाई नानी थी। तुम सारी दुर्गति भूल गए फिर से बवाल कर बैठे हो, उत्तर खुद के पास नहीं हमसे सवाल कर बैठे हो। बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे आलाप तुम्हारे लगते हैं, तुम भूल गए हो रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। तो मोहतरमा, कुछ याद आया किरण नाज जी? अब ऐसा करो, चुल्लू भर पानी लो और डूब मरो। चलो, आपको इतिहास की क्लास तो खत्म हुई, वैसे आपकी हर दिन की शुरुआत भारत का नाम लेकर ही होती है। अगर यकीन नहीं आता तो आप खुद देखिए अपने इस वीडियो को। मोदी सरकार इस वक्त इतनी बौखलाहट का शिकार है कि नई दिल्ली में भारतीय पुलिस की भारी नफरी ने पाकिस्तानी सफारत खाने का घेराव किया हुआ है। उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। चीन ने बगैर किसी आसरे के बदमाशी करने वाले भारतीय दरिंदों को जहन्नुम तक का सफर तय करवा दिया है। पहले 3 और अब 20 फौजी जहन्नुम वासल होने की खबरें आ रही हैं। वाह, क्या बात है, इतनी याद आती है भारत की, लेकिन न्यूज बोलने से पहले भारत के खिलाफ उल्टियां बहुत करती हो। और आप अपने बदबूदार जबान से क्या हमारे प्रधानमंत्री और हमारे भारतीय सैनिकों के नाम लेंगी? पहले मंजन करते वक्त अपने दांत देख लेना और जीप से साफ कर लेना, वरना हिंदुस्तान का नाम तुम्हारी जबान से अच्छा नहीं लगता है। और हमारे प्रधानमंत्री को दरिंदा कहती हो, बीमार कहती हो, लेकिन आतंकी फेरिस्ट तो सबसे ज्यादा आप ही के देश में है, तबीयत तो सबसे ज्यादा आप ही के मुल्क की खराब रहती है। असलहे के सामने भारतीय फौज बिल्ली बन जाती है, मगर जहां कश्मीरी निहत्ते हों वहां ये शेर बनने की कोशिश करते हैं। आज फिर 3 मासूम कश्मीरियों ने जामे शहादत नोश किया है। गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान 17 कश्मीरी नौजवानों को भारतीय बुज़दिल फौज शहीद कर चुकी है। मोहतरमा, अगर आप हर दिन कश्मीर की बात करती हैं तो आपको बता दूं कि धारा 370 हटा के हमारे प्रधानमंत्री ने क्या जोरदार तमाचा मारा है कि आपके गाल सूज गए हैं और जबान पर तब से मोदी मोदी ही भजन गा रही हो। सच बताना, प्रधानमंत्री मोदी से अब डर लगने लगा है ना? क्योंकि ये तुम्हारा मायूस चेहरा, ये तुम्हारे इमरान खान के हाथ फैलाने से ही पूरी तरीके से पता चल जाता है। किरण नाज, अगर नहीं यकीन तो जरा गूगल पर भिखारी सर्च करके देखना, तुम्हारे इमरान खान हाथ में कटोरा लिए दिखाई देंगे। उस तस्वीर में तुम अपने बेबस लाचार इमरान खान का थोबड़ा देखना। अरे,
जरा समझाओ अपने इमरान खान को कि क्या रोज रोज पहुंच जाते हैं दूसरे मुल्क के पास हाथ फैलाने, खुद का मुल्क तो संभला नहीं जाता। और बात करते हैं कश्मीर की, अरे इतनी चिंता है कश्मीर और कश्मीर वासियों की, तो क्यों वहां पर आतंक फैला कर रखा है, क्यों वहां पर आतंकियों का अड्डा बना कर रखा है। मोहतरमा, जाओ पहले अपने मुल्क को कश्मीर की सच्चाई दिखाओ, वही बैठकर कुर्सी गर्म करने के करके एंकरिंग नहीं होती है, कभी जमीन पर उतर के देख लिया करो जरा। किरण नाज जी, न्यूज एंकर होकर भी आतंक की ट्रेनिंग ले रही हो, वैसे कौन दे रहा है ट्रेनिंग, मसूद अजहर या हाफिज सईद, जरा बताना तो। और जितनी सलाह भारत को देती हो आप, आपको खुद को, खुद के मुल्क को देनी चाहिए, है ना। आपके मुल्क को काफी ज्यादा आपकी सलाह की, पाकिस्तानी मीडिया की सलाह की बहुत जरूरत है। ये दो टके के भारतीय, माफ कीजिएगा, दो टके के भारतीय अहलकार कहना टकों की बेहुरमती हो जाएगी। ये भारतीय अहलकार इन्हें हर गिज खौफजदा नहीं कर सकते। असलहे के सामने भारतीय फौज बिल्ली बन जाती है, मगर जहां कश्मीरी निहत्ते हों वहां ये शेर बनने की कोशिश करते हैं। आज फिर तीन मासूम कश्मीरियों ने जाम शहादत नोश किया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 17 कश्मीरी नौजवानों को भारतीय बुज़दिल फौज शहीद कर चुकी है। घबराओ मत, प्रधानमंत्री मोदी का एक और फैसला और तुम विश्व के नक्शे से पूरी तरीके से साफ हो सकते हो। वैसे तुम्हारी जबान से ये खौफ बहुत अच्छा लगता है, डरते रहो और खुद को समझाते रहो। अभी तो प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ चलाया है, जिस दिन लात चल गई उस दिन दुनिया से साफ हो सकते हो तुम। फिलहाल अभी के लिए मैं अलविदा लेती हूँ, लेकिन भारत को याद करते रहना, प्रधानमंत्री मोदी का भजन गाते रहना और खौफ को अपने चेहरे पर बनाए रखना, क्योंकि हम भारतीयों को तुम्हारा ये खौफ अच्छा लगता है। नमस्कार। Hi guys, this is Neetu Chandra. You watching me on Exposed India. Keep watching.